उत्तर भारत के प्रथम शहीद लाल पदमदर सिंह को याद किया रीवा वासियों ने। हम आपको बता दें, उत्तर भारत के प्रथम शहीद लाल पदमदर सिंह की शहादत इलाहाबाद में हुई थी। अंग्रेजों के खिलाफ सतना के कृपालपुर के लाल ने आज़ादी के नारे को बुलंद करते हुए हाथ में तिरंगा उठा लिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद करते हुए इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से छात्रों ने कचहरी तक मार्च निकालना तय किया। इसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने निहत्ते मासूम युवाओं पर गोली चलवा दी थी। इसी गोली का शिकार हुए थे लाल पदमदर सिंह। साकेत श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, डॉक्टर उदयराज भार्गव और कवि रामलखन केवट गणेश जी और समाज सेवी सुरेश बिश्नोई सहित तमाम पीआईएस कॉलेज के छात्र नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने शहीद पद्मधर सिंह को याद करने की एक नैतिक जिम्मेदारी को उठाने का काम किया। आज हम सबको ये समझना होगा कि हम आज़ाद भारत में जो सांस ले रहे हैं 70-71 साल बाद, तो इस देश को जो 200 साल गुलामी थी, उस गुलामी के खिलाफ जंग आज़ादी जो 90 साल चली है इस देश में 1857 से 1947 तक, इस देश का नौजवान इस आज़ादी के आंदोलन के बारे में जानता नहीं, जानता है तो मानता नहीं और मानता है तो दिखता नहीं। आज हालात ये है कि जिस ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय के छात्र यहाँ पढ़ रहे, उनको मालूम होना चाहिए कि ठाकुर रणवत सिंह कौन थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ गदर किया था, बगावत की थी और वो हमारे यही रीवा जिले के थे और उनकी स्टेचू बाहर लगी, उन्हीं के नाम से ये महाविद्यालय। लाल पद्मधर सिंह सतना जिले के कृपालपुर गांव में रहने वाले, जिनका जन्म 14 अक्टूबर 1913 को हुआ था, दरबार कॉलेज रीवा में पढ़ते थे और यहां से पढ़ाई खत्म करने के बाद इलाहाबाद पढ़ने गए। इलाहाबाद में उसी समय जब वो पढ़ रहे थे, अध्ययन के दौरान आज़ादी का आंदोलन अपने शिखर पर था, इस देश के राष्ट्र का महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, करो या मरो, डू और डाई। और उसी समय 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन हुआ बहुत व्यापक रूप से,